कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि 27 की जगह 14% ओबीसी आरक्षण देने के आदेश को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट को बताए आरक्षण पर अपनी व्यथा, एमपी हाईकोर्ट से जल्द ही अंतिम फैसला लेने का अनुरोध किया गया है। विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विजेंद्र, जानकारी दें। जी अजय जी, आपको याद होगा सर कि मध्य प्रदेश में बीती कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ तमाम याचिका हाईकोर्ट में फाइल हुई थी और हाईकोर्ट ने मामलों पर सुनवाई के दौरान 27% आरक्षण पर कई विषयों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जीएडी की ओर से और उसमें हाईकोर्ट की रोक छोड़ के बाकी जितनी भर्तियां या प्रवेश परीक्षा है उसमें बढ़ा हुआ आरक्षण यानी 27% आरक्षण देने का आदेश जो है वो राज्य सरकार की ओर से दे दिया गया था। पर यही आयुष स्नातकोत्तर परीक्षाओं की जो भर्ती हुई थी उसमें भी 27% ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार की पहल पर दे दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट ने बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक लगा दी। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया कि इस आयुष भर्तियों में भी सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा, जबकि भर्तियां जो थी वो 27% ओबीसी आरक्षण देते हुए सरकार कर चुकी थी। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, एक एसएलपी फाइल की गई थी और व्यथा जो थी वो बताई गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दखल देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जो दिक्कतें हैं आरक्षण से संबंधित या जो सरकार की व्यथा है वो हाईकोर्ट के समक्ष ही राज्य सरकार पेश करे और फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है जो